हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रॉलर को बंद कैसे करना है और खोलना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो हमारी सीट है ये सीधी होनी चाहिए। तो मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। तो ये मैंने सीधा कर लिया। सीट सीधी करने के बाद दोस्तों हमें दूसरी बात जिसका ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो स्टोरेज बास्केट है ये खाली होनी चाहिए, इसमें कुछ पड़ा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ दोस्तों जो हमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि ये जो साइड लॉक है ये बाहर की तरफ होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों कि ये जो साइड लॉक है ये यहाँ पर फंस जाता है और उसके बाद जब हम इंस्टॉलर को लॉक करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो आप पहले ही इसे बाहर की तरफ कर लेना। तो चलिए अब मैं आपको इसे बंद करके दिखाती हूँ। तो बंद करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ इंस्टॉलर में पीछे हमें साइड में दो पॉकेट्स दी गई हैं, आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इन साइड पॉकेट्स में अगर हम देखेंगे तो हमें ये हुक सा दिया गया है। इसे हमें क्या करना है कि दोनों साइड हाथ डाल के इसे ऊपर की तरफ करना है और फिर इंस्टॉलर को अपनी तरफ खींचना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने अपनी दोनों साइड पॉकेट्स में हाथ डाल लिए हैं और इसे ऊपर की तरफ करके इंस्टॉलर को इस तरह उठाया है। उसके बाद मैं ये सीट आगे करूँगी और सीट आगे करने के बाद मुझे क्या करना है कि ये जो साइड लॉक है इसको ऐसे लगा देना है। तो आप देखिए ये हमारा स्ट्रॉलर लॉक हो गया है। अब मैं आपको वह बताती हूँ कि इसे ओपन कैसे करना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है कि इस लॉक को रिलीज़ कर देना है। इसको रिलीज़ करने के बाद आपको कुछ नहीं, इस हैंडल को अपनी तरफ उठाना है और आपने देखा होगा कि एक क्लिक की आवाज़ आई। इस क्लिक की आवाज़ का आपको ध्यान रखना है, इससे पता चलता है कि हमारा स्ट्रॉलर ठीक से ओपन हो गया है। अगर आपको ये क्लिक की आवाज़ नहीं आती है तो आप एक बार इसे यहाँ से सीट से झुका के देख लीजिए कि आपको एक ये प्रॉपरली ओपन हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।